कैसे खा पा तो खा रहा था क्या हुआ उनको पैसे कमा सकते टेंशन वो तो पैसे नहीं कमा सकते लेकिन सस्ते तो और उनके संगीत को ही सिंपलिसिटी और वो है एक माउंटेन की तरह खड़ी हो उस माउंटेन को पार करना मेरे वक्त इस वक्त हमारे साथ आपके पूरे परिवार की जो बुनियाद है राजेश रोशन साथ में जिंदा के इंतजार प्लीज 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 हाय 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 हमारे पिताजी रोशन साहब ने अपने गानों में इतनी खुशनुमत होगी कि वो खुशनुमा अभी तक महक रही है शायद इसके उन्होंने वो गाना बनाया था गए ना गए हम जब वो हमें छोड़ के चले गए और ये सब आपके प्यार की वजह से गुरु पर हमारे आशीर्वाद How do you feel being a part of the legacy of the Roshan family, Roshan Sahab, and being a part of this concert called Roshan Se Roshan? सबसे पहले तो आप सबका दिल से स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर आए हैं आज मैं इतना खुश हूँ मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हैं सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि अपने चाचा का सबसे बड़ा फैन दुनिया में मैं हूँ बचपन से मेरे चाचा हैं बड़े सुशील हैं मीठे हैं बहुत देखा है लेकिन शेरों का जोश मैंने अपने संगीत को लेकर कुआना बाप चूली से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक जो मिठास जो नशा जो जादू मेरे चाचा के गानों में है ना वो और किसी के गानों में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ और अपने पापा का बेटा हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार एक ऐसे घर में हुआ जहाँ संगीत बजता हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि आज शाम इस संगीत के जरिए आपका दिल भी थोड़ा बहुत रोशन हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया एक सवाल यू रिमेम्बर योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ राजेश रोशन सॉन्ग जो आपके कानों में गूंजता है जब आप छोटे थे अरे मेमोरीज तो इतने हैं मेरे पास एक मुझे याद है एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मैं था कुछ 6 या 7 साल का और मैं अपने चाचा का पीछा छोड़ता ही अपने चाचा के कमरे में सोता था उनके बाथरूम में मैं नहाता था तो बहुत प्यार था मतलब है और कभी कभी मेरे चाचा मेरे पास आते थे और मुझे पूछते थे क्योंकि मैं तो वहीं होता था तो मुझे पूछते थे कि गुरु क्या लगता है ये गाने में मैं ये करूं कि ये करूं तो कभी कभी उनके गानों में जैसे याराना के जो गीत थे उन जैसे गानों में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहा और ये बात बरगई जिसने राजेश जी ने मुझे बताई थी
कि जब रोशन साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे और आप अधीश कुछ सात आठ साल के थे और सेम चीज वो आपसे पूछते थे बिल्कुल क्या क्या पूछने का याद दिलाई अरे वो तो ऐसा होता था कि साहिर साहब और रोशन साहब बैठे हैं और सुबह के टाइम वो ट्यून बना रहे हैं और राजू बोल रहे राजू कटो बैठ गया गाना सुना रहे हैं जो बात है अरे जो बात में है पाँव छोड़ने में कैसा लग रहा है जिसका ब्लॉकबस्टर म्यूजिक आज तक याद करें प्लीज टेल मी इन व्हाट वर्ड्स वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब दैट सम थिंग्स आर इंडिस्क्राइबल इफ आई पुट वर्ड्स टू इट आई विल इंसल्ट इट I can't. My chacha has taught me not just music, not just melody, not just art. He's taught me how to be a good man. How to be calm in the most stressful situations. ये ऐसी बात करी है मुझे ठक से नहीं आता चला गया अच्छा अरे इतने मतलब म्यूजिक कंपोज करना चैलेंज नहीं है बिकॉज इतने इतने गजब के डांसर लाइक एक पल का जीना हाउ वुड यू डन दैट कीपिंग हिज डांसिंग हिज पर्सनालिटी नहीं मज़ा तो बहुत आता है इनके साथ काम करने का क्योंकि राकेश जी डायरेक्शन करते होते हैं और मुझे पता है वो ये डायरेक्टर है और मार्क पे मारेंगे अपना निशाना है और साथ में डिफरेंट है तो इट्स लाइक फन फॉर मी इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा यू नो आई सैल्यूट आपका जो रिश्ता है राजेश जी के साथ तो एक भाई भाई का तो है ही बट सच ए लॉन्ग एसोसिएशन एंड आई वुड लाइक टू सी दिस वेरी कैंडिडली क्योंकि आज की तारीख में जब दौर बदलते हैं आपने देखा होगा हर डायरेक्टर ने अपना म्यूजिक डायरेक्टर बनता है चाहे वो राज कपूर हो या गुरुदत्त हो या कोई भी ऐसे बड़े से बड़े डायरेक्टर मान लीजिए राइट या संजय लीला बंसाली बट राकेश रोशन इज द ओनली मैन हु हैज स्टक विद राजेश जी एंड दे स्टक टुगेदर लाइक फैमिली From the beginning of your career, sir, and I want to know the performance. ये वजह इतना talent घर में है तो बाहर क्यों दिखे और talent के साथ मन में ताल में अरे दूसरे को समझते हैं क्या तो जब भी मैं कोई गाने की सिचुएशन समझाता हूँ तो लोकेशन के साथ समझाता हूँ क्या करने वाले हैं एक्टर एक्ट्रेस वो क्या करने वाले हैं इस तरह से इंस्पायर करते हैं और राजेश एक सेकंड में उसको गाना और बहुत गुस्सा भी है सब में हाँ झगड़ते भी हैं बहुत लेकिन प्यार जीतता ये आपने कहा था राजेश जी ना कि नो जोक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इज द फॉर्मूला फॉर योर सक्सेस फॉर म्यूचुअल सक्सेस म्यूचुअल एडमिरेशन ऐसी चीज है कि आपको अगर पता है कि ये डायरेक्टर कौन है तो आप जिंदगी भर उनके साथ काम करने की कोशिश